अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जंगल स्काउट कैसे यूज़ करते हैं, जंगल स्काउट का डेटाबेस और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन। इसके साथ आपको पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट्स कैसे हंट करते हैं और कैसा कैसा डेटा हमें वापस रिजल्ट्स में वापस मिलता है, और इसको यूज़ करके हम कैसे पता करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, और मेन चीज़ ये देखनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन हाई है और लो कंपटीशन है। प्रॉफिट मार्जिन जो है नेट आपकी अमेज़न की फ़ीस देने के बाद, आपकी शिपिंग कॉस्ट के बाद, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो आपने पे करनी है जितने की ख़रीदी है वो देने के बाद, आप फिर डिटरमिन करते हो कि आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो पता करेंगे, और ऑल्सो लो कंपटीशन वाली चीज़ ढूंढेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सेलर उस चीज़ को बेच ना रहे हों। तो जंगल स्काउट के अंदर अभी हम आपको मैं दो तरीके दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं और उसका कौन सा डेटा हमें वापस रिटर्न होगा, और उस डेटा को फिर हम एनालाइज़ करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि हम मेरे कंप्यूटर पे जाएं और आपको मैं स्क्रीन दिखाऊं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, और साथ में एक बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी दबा दें। वो इस वजह से आप दबाएंगे कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, जब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तब आपको यूट्यूब वाले नोटिफाई करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है। तो इसके अलावा अगर आप न्यू कमर हैं, नए हैं अमेज़न के ऊपर, और आप पता आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और जंगल स्काउट का भी मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ। जंगल स्काउट इस वक्त मैंने प्रमोशन पे लगा हुआ था 3 मंथ्स के लिए, उसका जो जंगल स्काउट का जो वेबसाइट है, डेटाबेस है, और ऑल्सो उसकी जो एक्सटेंशन है, ये दोनों चीज़ें मैंने $149 में ख़रीदी हैं 3 मंथ्स के लिए, अनलिमिटेड यूसेज। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूँ, अगर प्रमोशन अभी अवेलेबल है तो उसको आप कर सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं तो $150 में आप ले लें, वेरी गुड प्राइस है, या आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए शेयरिंग जो है ना वो सूटेबल नहीं थी, इसलिए मैंने 3 महीने के लिए ले लिया। 3 महीने मेरे लिए बहुत हैं इसको सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स ढूँढने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप पे और आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको जंगल स्काउट दिखाता हूं कि इसको कैसे चलाते हैं। आए मेरे साथ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। ये अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप पे, यहां से अभी हम खोलेंगे जंगल स्काउट। तो नया ब्राउजर पेज खोल लेते हैं और जंगल स्काउट सर्च करते हैं। So let's go to JungleScout login and JungleScout.com. ये अब JungleScout का होम पेज खुल गया है। ठीक है, अगर आपने अभी JungleScout नहीं लिया तो यहाँ पे आप साइन अप करेंगे और उनका जो पैकेज है, कौन सा आपने लेना है, 1 मंथ के लिए या एनुअली आप ले सकते हैं। मैंने इनका जो प्रमोशन चल रहा था पहले, कुछ दिन पहले, $149 के अंदर मैंने 3 मंथ्स का पैकेज लिया है। उसके साथ मुझे ये वेब ऐप मिला है और साथ में जंगल स्काउट का ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे ये मिला है। ठीक है, तो अभी मैं लॉगिन करूंगा। आप इसके ऊपर अमेजन के ऊपर सेलिंग करने के लिए आप इसको खोल के चेक कर सकते हो, अपना बिजनेस ऑलरेडी अगर है तो ग्रो कर सकते हो, ब्रांड एंड एजेंसी सोल्यूशन देख सकते हो, और भी काफी इसके अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। इसके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम है अगर आपको नहीं पता कैसे ट्रेनिंग लेनी है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एनीवे, लेट्स लॉग इन। ये अभी खुल रहा है तो ये खुल गया, मैं ऑलरेडी अपना पासवर्ड वगैरह डाला हुआ था तो खुल गया। अच्छा, जब आप खोलेंगे सबसे पहले आपका कोई भी पेज खुलेगा जोन से पेज पे आपने लास्ट छोड़ा था, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको आप दबाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है। हम जाएंगे प्रोडक्ट डेटाबेस पे। प्रोडक्ट डेटाबेस में आके अब ये पेज जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझना और इसको सीखना।
इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है। जब आप 5, 7, 10 दफा कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, यहां पे ये जो बॉक्स है इसके अंदर कंट्री लिखी हुई है, तो आप कहाँ पे सेल करना चाहते हो। अगर यूके में सेल करना चाहते हो तो आप यूके में डालोगे, अगर आप इनमें से कोई भी कंट्री में सेल करने जा रहे हो कौन सी मार्केट प्लेस में, तो आप वो डाल दोगे। मैं अभी यूएस रहने देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आ जाते हैं कैटेगरीज के ऊपर। अभी क्योंकि हम न्यू सेलर हैं, हमने पहले कभी सेलिंग नहीं की है, तो हम गेटेड कैटेगरी से दूर रहेंगे। सिंपल रूल है जो ट्रेनर्स हर ग्रुप में सिखाते हैं, वो ये रूल बताते हैं कि जो चीज आपके मुंह के अंदर जाती है, पेट में जाती है, या जो चीज आपके स्किन पे लगती है, उसको अवॉइड करें, ठीक है। शुरू शुरू में पहले 6 माह 8 माह उसको अवॉइड करें। हम फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हम इसको नहीं दबाएंगे। अगर इसको हम करेंगे तो फिर उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, इस प्रोडक्ट को अनगेट करवाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी अमेज़न से, जो कि बहुत मुश्किल है, स्पेशली न्यू कमर के लिए, न्यू अकाउंट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड सोइंग, इसको दबा देते हैं, बेबी दबा देते हैं, उसके बाद कैमरा फोटो दबा देते हैं, उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड किट होम एंड किचन दबा देते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स पे, पेट सप्लाईज पे, टॉयज एंड गेम्स, ठीक। आई थिंक अभी के लिए ये काफी है, ठीक है। तकरीबन 8 कैटेगरीज हमने दबा दी हैं। उसके बाद अगर आप इधर आए तो इस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट टीयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने स्टैंडर्ड साइज चाहिए प्रोडक्ट या ओवर साइज चाहिए। हम स्टैंडर्ड दबाएंगे, इतनी बड़ी चीज नहीं हमें चाहिए, यानी कि बेड या कोई सोफा या कोई बड़ा टीवी वगैरह वो चीजें नहीं चाहिए, हमें छोटी चीजें चाहिए। उसके बाद सेलर टाइप, अमेजन का भी डेटा हमें चाहिए, एफबीए का डेटा भी चाहिए, और एफबीएम का भी। एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजन, जब हम अमेजन के वेयर हाउस में भेजते हैं तो वो डील करते हैं सब, ये वो प्रोडक्ट्स हैं। और एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो हम अपने वेयर हाउस से कस्टमर को डिलीवर करते हैं, उसका ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब फिल्टर्स के ऊपर आ जाएं। फिल्टर्स के अंदर सबसे पहले प्राइस पे आ जाए, मिनिमम प्राइस आपको बताया होगा कुछ ग्रुप्स में, ठीक है। तो प्राइस जो मिनिमम प्राइस है ना, वो हम करते हैं इंशाल्लाह ताला $21 से लेके $45 तक हम फिल्टर में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो इधर आप डाल सकते हैं नेट, ठीक है। एफबीए फीस निकाल के नेट प्रॉफिट आपको कितना बचेगा, इसको मैं खाली रहने देता होता हूं, इसको नहीं मैं भरता। रैंक, आप बेस्ट सेलर रैंक भी डाल सकते हो यहां पे, मैं उसको भी नहीं छेड़ता, मैं उसको भी रहने देता हूं। यहां पे आप सिलेक्ट मिनिमम एंड और मैक्सिमम मंथली एस्टिमेटेड सेल्स, सो यहां पे आप सेल डाल सकते हैं, ठीक है, और यहां पे रेवेन्यू डाल सकते हैं। रेवेन्यू का आ गया सिलेक्ट मिनिमम एंड और मैक्सिमम एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू। सो मिनिमम रेवेन्यू हम डालते हैं, लेट सी, मिनिमम रेवेन्यू हम डालते हैं, लेट सी 50,000, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम को हम रहने देते हैं। सेल्स हम डालते हैं कितने यूनिट हर महीने बिकेंगे, यहां पे हम डाल देते हैं 300 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिव्यूज के ऊपर। अब रिव्यूज में डाल सकते हो कुछ, मैं इसको खाली रहने देता हूं। पहली सर्च के अंदर मैं ज्यादा चीजें नहीं भरता, क्योंकि मुझे, मैंने देखना है कि क्या रिजल्ट आता है आगे। रिव्यूज को भी मैं छोड़ देता हूँ, रेटिंग को भी मैं छोड़ देता हूँ। यहां पे 10 पाउंड में डाल देता हूं मैक्सिमम वेट, ठीक है। उसके बाद आ गया सेलर्स, कितने सेलर होने चाहिए, इसको भी खाली रहने देते हैं। उसके बाद आ गया एलक्यूएस, एलक्यूएस का मतलब है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, तो इसको भी हम डाल सकते हैं, इसको भी मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इंक्लूड कीवर्ड्स एंड एक्सक्लूड कीवर्ड्स। यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम नहीं चाहते कि कोई
अभी इस वक्त सर्च रिजल्ट्स के अंदर ज्यादातर फेस मास्क और ये कोरोना की वजह से जो कोरोना के सैनिटाइजर्स वगैरह वो पहले 10-15 पेज भरे होते हैं, सो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। सो यहां पे हम डालते हैं फेस मास्क कोमा मास्क कोमा N95 कोमा ठीक है, ये भी अभी ये तीन डाल के देखते हैं। सो ये जो भी प्रोडक्ट के साथ फेस मास्क कीवर्ड होगा या मास्क या N95 मास्क होगा वो चीजें हमें नहीं दिखाएगा, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करनी चाहिए कोई चीजें, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं इस वक्त कुछ भी इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता। एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल वो हमें नहीं देखनी, इसलिए इसको टिक किया हुआ है। इसको अगर आपने टिक करना आपकी मर्जी है, मैं अभी के लिए इसको रहने देता हूं। कोई भी टॉप ब्रांड है, आपको पता है टॉप ब्रांड आप नहीं बेच सकते अनलेस आपके पास परमिशन है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है दोस्तों। अभी आपने देखा कि मैंने सारा फॉर्म भर दिया है, अभी इसको यहां पे हम करेंगे सर्च, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। यानी कि इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इसके अंदर और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। और आगे आपको देखे जो हमने फिल्टर डाले हैं हमारा रिजल्ट आ गया है, और अब आप देख सकते हैं कि यहां पे हमें नजर आ रही है वो प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के साथ, और ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एड किट है, ठीक है, ये हमें पता है कि जी ये बिक रही है, मंथली रेवेन्यू इसका $60,868.32 है, ठीक है। इसके अंदर से हम निकाल देते हैं वेट, ये डायमेंशन निकाल देते हैं और वेट निकाल देते हैं फॉर टाइमिंग, ताकि टेबल जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए नजर आने के लिए, ठीक है। सो अच्छा जी, अब ये जो फर्स्ट एड किट है इसकी प्राइस है $21.99, ठीक है, ये FBA प्रॉफिट कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया है और ये प्रॉफिट बता रहा है आपको, और ये मंथली सेल्स है 2768 यूनिट्स मंथली बिक रहे हैं, और ये टोटल रेवेन्यू है, और इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो 3996 है, इसके रिव्यूज है 955, और इसका लिस्ट क्वालिटी स्कोर जो है वो 5 है, ठीक है, और टोटल सेलर्स 2 हैं, और ये आगे इसकी रेटिंग। अभी हम इसमें से LQS को भी निकाल देते हैं, अभी टेबल जो है वो थोड़ी सी, हाँ अभी हम आ गए, ठीक है। अच्छा, आपको अब थोड़ा सा तो समझ लग गई होगी, अब ये आप नीचे जाए तो फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रोडक्ट को देख लें, ये क्वार्टर इंच इलास्टिक फॉर सोइंग 25 यार्ड इलास्टिक बैंड्स फॉर सोइंग 6 mm, ठीक है। अभी ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड सोइंग के अंदर है, इसका टोटल रेवेन्यू $395,280 है, इसके जो यूनिट्स है मंथली 16,470 बिक रहे हैं, इसकी प्राइस $24 है, और अगर आप FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाए तो ये इसकी प्रॉफिट्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। सो ये फीस ब्रेकडाउन है आपकी, ये टोटल फीस $6.79 है और $17.21 आपकी प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटर। इसका रैंक है 15, जो कि बहुत जबरदस्त रैंक है, यहां से हमें पता चलता है कि इसके साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल होगा। इसके टोटल रिव्यूज देखे बहुत कम है, सिर्फ 2 रिव्यूज हैं, और टोटल 2 सेलर्स है लूक स्पायर्स के नाम से, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 स्टार्स है, ठीक है। अब आपने देखा ये सारा डेटा आपको नजर आ गया है, अब आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये चीज पसंद आ गई या हमने इसको देखना है, इसको ट्रैक करना है, तो इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा यहां पे हम Amazon का व्यू ऑन Amazon दबाएंगे, ठीक है, व्यू ऑन Amazon दबा के उसकी लिस्टिंग पे आ गए हैं हम। अभी मेरा जो करेंसी है वो पाउंड्स में मैंने सेट की हुई है, सो अभी मैं नहीं चेंज कर सकता हूं, लेकिन आप अपनी चेंज कर लेना पहले ही अगर आपको पता है। ये जो जगह है ये बाई बॉक्स है, इसको बाई बॉक्स कहते हैं, ठीक है, ये जो स्क्वेयर है और इसके अंदर ये एड टू कार्ड लिखा हुआ है, इसको बाई बॉक्स कहते हैं। इसको हमें पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सेलर है, इसके पास इस वक्त बाई बॉक्स है, हम जब इसको दबाएंगे
ये अमेजन हमें सीधा इसके स्टोर पे, इसकी शॉप पे भेजेगा और इसको पैसे जाएंगे, ना कि दूसरे किसी सेलर को। सो बाई बॉक्स के ऊपर भी हम वीडियो करेंगे इंशाल्लाह तो फ्यूचर में, ताकि आपको प्रॉपर उसकी समझ लगे। बाई बॉक्स के नीचे आ जाएं तो आपको पता चलेगा न्यू फ्रॉम, फ्री शिपिंग के साथ, और भी चार सेलर हैं। अदर सेलर्स के अंदर आ जाएं तो आपने अगर इससे नहीं खरीदना, आपने इनसे नहीं खरीदना, तो आप यहां पे आके अदर सेलर से खरीद सकते हैं, यानी कि ये एक सेलर है और एक ये सेलर है। अब देखें यहां पे आप प्राइस देखें 18 pounds 3 pence, और यहां पे आके देखें 18 pounds 2 pence, ठीक है। और ये सेलर का नाम है कॉस्टली, और ये है 21.30। अब आप एक और चीज सोचे कि इस, ये जो थर्ड पार्टी सेलर है, ये जो दूसरा सेलर है जिसके पास बाई बॉक्स नहीं है, उसकी 1 pence कम है प्राइस, लेकिन इसके पास बाई बॉक्स नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लोएस्ट प्राइस के पास बाई बॉक्स होता है। ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाई बॉक्स रोटेट होता है, ठीक है, रोटेशन होती है बाई बॉक्स की। अभी इसके पास है, हो सकता है कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद बाई बॉक्स इसके पास आ जाएगा, फिर उसके पास चला जाएगा। ऐसे रोटेशन होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सेलर्स आर ऑन देयर। और अगर अमेजन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट, फिर अमेजन के पास ही बाई बॉक्स रहता है ज्यादा देर, जब तक अमेजन खुद आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाता। एनीवे इस वक्त के लिए ये टॉपिक नहीं है, सो इसको हम इग्नोर करते हैं। और आप देखें यहां पे हम आते हैं, ये जंगल स्काउट का एक्सटेंशन है, हम इसको दबा देते हैं। अभी और भी डेटा हमारे सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इस पेज के ऊपर जो कुछ था वो उसने हमें जंगल स्काउट के एक्सटेंशन में दिखा दिया। इसकी एवरेज मंथली सेल्स जो है 16,470 यूनिट्स एवरी मंथ इसके बिकते हैं। एवरेज सेल्स रैंक इसका 15 है, जो कि बहुत जबरदस्त है। इसके रिव्यूज सिर्फ 2 है, एवरेज सेल नहीं नजर आ रही। रेटिंग 4.5 है। नेट इसको जो बच रहा है वो 1721 है, और डेली सेल्स इसकी 683 है, मंथली सेल्स इसकी 16,470 है। ये इसके ब्रांड का नाम है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये भाइयों, ये जो बटन है प्लस का, हम अगर इसको दबाएंगे तो ये इस प्रोडक्ट को मेरे ट्रैकर में ले जाएगा, ठीक है। ये फिर मैं ट्रैक कर सकूंगा इस प्रोडक्ट को अगले 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए, जितनी देर के लिए मेरा दिल करता है मैं इसको ट्रैक करूंगा, ये देखने के लिए कि वाकई ये प्रोडक्ट जो है ये बिक रही है, कितने देर बाद बिकती है, कौन लेता है, कौन से एरिया से इसके आ रहे हैं, और ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो, ठीक है। अभी के लिए इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आपने अगर आप वापस जंगल स्काउट पे चले जाएं और आप यहां पे देखें राइट साइड पे, ये भी प्लस का साइन है, इसको भी हम यूज करके और ऐड कर सकते हैं अपने ट्रैकर के अंदर, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट थी, इसको ऐड करने के लिए इसको दबाना पड़ेगा और इस प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम जाएंगे प्रोडक्ट ट्रैकर के अंदर, जब हम इस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे, अभी मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की हुई, अभी आपको दिखाता हूं, तो यहां पे आ जाएगा हमारा सारा डाटा, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे उस प्रोडक्ट के, तो हम फिर उसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एक तरीका हो गया प्रोडक्ट ढूंढने का, और दूसरा तरीका आपको अभी दिखाता हूं अपॉर्चुनिटी फाइंडर के ऊपर, वो इसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे लास्ट जो ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी फाइंडर के नाम से, और ये भी थोड़ा सिमिलर है प्रोडक्ट डेटाबेस के साथ, लेकिन यहां पे भी आप सेम यहां पे अपनी मार्केट प्लेस डालेंगे। मैं यूएस रहने देता हूं, उसके बाद हम इसके अंदर बेबी डाल देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर कैटेगरीज हम चूज कर रहे हैं, और होम एंड किचन डाल देते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं किचन डाइनिंग डाल देते हैं, उसके बाद हम ऑफिस प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, पेट सप्लाईज डाल देते हैं, पैट्रियो लॉन डाल देते हैं, लेट्स गो फॉर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टॉयज एंड गेम्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट की हैं, आप अपनी मर्जी के साथ अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम आ जाते हैं फिल्टर्स के ऊपर। अच्छा जी, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, मैं चाहता हूं कि मेरे कम अज कम 300 यूनिट तो बिके, 300 यूनिट होना चाहिए एवरी मंथ,
मिनिमम। सो 304 मैंने डाल दिया है, ठीक है। कॉम्पिटिशन कितना होना चाहिए, तो मुझे हाई कॉम्पिटिशन ही चाहिए, मुझे लो कॉम्पिटिशन चाहिए। सो हम आ जाते हैं वेरी लो के ऊपर, ठीक है। इतना कॉम्पिटिशन ठीक है, क्योंकि हम न्यू सेलर हैं, हम बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ जाके नहीं लगा सकते मत्था। सो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, एवरेज मंथली प्राइस के ऊपर आ जाए, ठीक है। अभी हमने इतनी सस्ती चीज नहीं बेचनी, हम आ जाते हैं $25 से लेके, और हम आ जाते हैं लेट्स से 55 तक आ जाते हैं, ठीक है। 25 से 55 हम कर देते हैं। और नीश स्कोर, नीश स्कोर का मतलब होता है ये जंगल स्कोर अपनी तरफ से स्कोर देता है 1 to 10, 10 हाईएस्ट स्कोर जो है ना अपॉर्चुनिटी, 1 इज द लोएस्ट। सो फॉर एग्जांपल जो 10 स्कोर होगा मैं आ जाता हूं तकरीबन यहां पे 7 to 10 आ जाता हूं। 7 to 10 का मतलब है जंगल स्काउट कह रहा है कि इसका बड़ा जबरदस्त स्कोर है, इस कंपेटिटिव इतना ज्यादा नहीं है, आप जा सकते हो और ये प्रोडक्ट अच्छी है और आप इसके साथ कर सकते हो सेलिंग कर सकते हो इसके ऊपर। मंथली सर्च वॉल्यूम जो है वो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। इंक्लूड एक्सक्लूड वर्ड्स के लिए फिर से दोबारा हम आ जाते हैं फेस मास्क, मास्क N95, ठीक है। ये वर्ड्स हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स भी हम कर देते हैं, इसको यानी कि अनटिक कर देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। अभी हम आ जाते हैं और इसको करते हैं सर्च, ठीक है दोस्तों। अभी हम आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये लंबा लॉन्ग ब्रॉडीड कीवर्ड है, तो इसने ये नहीं रिमूव किया, सर्जिकल फेस मास्क भी नहीं रिमूव किया। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर अभी कोरोना की वजह से, COVID-19 की वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा बिक रही हैं, ठीक है। तो पहले कुछ पेज जो है वो सिर्फ मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स और ये सब चीजें होंगी, ठीक है। सो लेट्स सी अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि ये नीश स्कोर 10 है, 10 का मतलब है जबरदस्त, कंपटीशन वेरी लो है, मंथली सेल्स सर्च वॉल्यूम्स इसका 1600 है। सो 1601 लोग जो है वो सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इस वक्त। इसकी जो मंथली एवरेज प्राइस है वो 4140 है। एवरेज मंथली यूनिट्स कितने बिक रहे हैं, 3207 यूनिट बिकते हैं, और ये कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं अमेजन के ऊपर तो हम इसको यहां पे दबाएंगे, और सबसे पहले हम इसको नीचे जाएंगे। अभी आपकी अगर आप इसको ब्राउज करोगे, नीचे जाई जाओगे तो आपको आपके मतलब की प्रोडक्ट मिल गई। फर्ज करें आपको कोई चीज अच्छी लगती है, ये नहीं कि आप पहली चीज जो नजर आती है वो आप कर लो। सो यांकी कैंडल ईस्टर, अभी ये क्या है, अभी ये देखे, ये 5992 यूनिट दिख रहे हैं। प्राइसेस की एवरेज $27.12 है। मंथली सर्च वॉल्यूम इसका 257 है। कॉम्पिटिशन इसका काफी लो है और इसका नीश स्कोर वेरी हाई है, ठीक है। सो हम इसको जाके चेक करते हैं। अच्छा जी, अभी ये आ गया कैंडल्स, ठीक है। अब आपको सबको पता होगा ये क्या है, इसको हम करेंगे जिंगल स्काउट के एक्सटेंशन के अंदर चेक। जंगल स्काउट को कुछ मिनट लगते होते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको आप सबर से वेट करें और सारा डेटा इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। ओके सो अभी आप देख सकते हैं कि ये आ गए हैं सारे सेलर्स इस प्रोडक्ट के, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, ये सारे सेलर्स आ गए हैं, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अच्छा, अगर आपके पेज के ऊपर इस तरह अगर आपको ये आ रहा है नैन NAN, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने UK मार्केट डालनी थी और मेरी जो करेंसी है वो चेंज है और मैंने USA मार्केट के अंदर डाला हुआ है। सो
आप जाके अपनी जो मार्केट है वो आपको चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर चेंज करके आप देख सकते हैं कि सारा डेटा शो हो जाए। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम हो लेकिन हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेस्ट सेलर रैंक का आ रहा है, जिसका सबसे कम होगा ये सबसे कम है 193। ये सीधा सीधा हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं, कि 13,418 यूनिट बेच रहे हैं, डेली ये 573 यूनिट बेच रहे हैं, इसका मंथली रेवेन्यू नहीं शो हो रहा। इसका फिक्र ना करें आप, वेबसाइट के पेज के ऊपर शो हो रहा है, कभी कभी ये शो नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट डेट अवेलेबल किसी का शो हो रहा है, किसी का नहीं शो हो रहा। ये जो डेटा मिसिंग है इसको पूरा करने के लिए एक और टूल है जिसका नाम कैपा है, वो मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें, वो भी आप यूज करेंगे इसके साथ साथ तो आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, एवरेज रिव्यूज इसके 593 हैं जो कि काफी हाई हैं। इसका एवरेज सेल्स रैंक जो है 1,015,445 है, एवरेज मंथली सेल्स 2,276 है, ठीक है। अभी आपको ये सारा नजर आ रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि ये दो लोग जो है ये बहुत ज्यादा सेल्स कर रहे हैं मंथली, बाकी सारे जीरो जीरो लिखे हुए हैं। अभी जो जीरो लिखा हुआ है उसका ये मतलब हो सकता है कि ये लोग आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, इन लोगों के पास स्टॉक खत्म हो गया हुआ है। सो जिनके बिक रहे हैं वो इन स्टॉक है, ये भी एक वजह हो सकती है। एनीवे आप लोगों को मैंने एक्सटेंशन भी अभी दिखा दी है, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू देना चाहता था जंगल स्काउट का। अभी आपको जल्दी से एक दो और इसके दिखा देता हूं। ये सप्लायर डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूं सप्लायर डेटाबेस के अंदर, ओके अभी मैं करता हूं सर्च एसएन के साथ, ठीक है, एसएन को हम ढूंढते हैं, इसी का एसएन हम उठाते हैं। सो लेट्स गो विद जंगल स्काउट के पास दोबारा जाते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो है ना, ये वाला ये जो 28,000 बेच रहा है, इसका सप्लायर ढूंढते हैं। ठीक है जी, ये इसका एसएन है, ऑटोमेटिकली आ गया, ये इसका एसएन है, ये उसकी पिक्चर है, ये बहुत ज्यादा बिक रही है और इसका जो सप्लायर है वो ये नाम है, ठीक है। लेटेस्ट शिपमेंट कब आई थी, कौन सी जगह से ये शिप हो रहा है, इसका सप्लायर कहाँ बैठा हुआ है, और इसको हम सेव कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2019 वाला जो है ना, इसको मैं क्लिक करता हूं, ये लेटेस्ट नजर आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी आपको नजर आ रहा है कि ये नाम है सप्लायर का, ये टोटल शिपमेंट्स हैं, इसने 68 शिपमेंट्स की हैं टोटल 6 कस्टमर्स को, ठीक है, ये उसके नाम है, टोटल सारे कस्टमर्स के नेम्स हैं, किस किस को इसने शिपमेंट की है, और ये आ रहा है इसका क्या ये मैन्युफैक्चर करता है और कौन कौन सी चीज परसेंटेज के हिसाब के साथ ये बेच रहा है, ठीक है। नीचे अब इसका जो है आ गया शिपमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टोटल शिपमेंट्स 3 गई थी यहाँ पे दिसंबर 2016 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगस्त 2018 में 11 शिपमेंट्स गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी 2020 में 2 शिपमेंट्स गई थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपको यहाँ नजर आ रहा है कोई शिपमेंट नहीं जा रही इस प्रोडक्ट की बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे अक्टूबर 2017 में भी कोई शिपमेंट्स नहीं थी, तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल चार्ट जाके देख सकते हैं और वहां से हमें पता चलेगा। कैपा के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, हीलियम 10 पे भी चेक कर सकते हैं, जंगल स्काउट में भी, तो हमें पता चलेगा और हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पीरियड है यहाँ पे क्यों ने इसने स्टॉक डाला, क्या वजह थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा ब्राउज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो प्रोडक्ट थी, ये उसका वेट है, ये उसका कोड है, ये सब चीजें आपके सामने, ये सब डेटा वगैरह लिखा हुआ है, ये मैं सिर्फ आपको क्विक ओवरव्यू दिखाना था। ये सप्लायर को हम सेव कर सकते हैं और यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि जी ये कॉन्टैक्ट कैसे हम कर सकते हैं, इसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, और यहाँ पे वो हमें उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देगा। आई होप के आप लोगों को कुछ समझ लगी है इस ऐप की। इसके अंदर और भी काफी चीजें हैं, अगर हम जाते हैं वापस अपने मेन पेज के ऊपर
और आप देख सकते हैं सेल्स एनालिटिक्स और इन्वेंटरी और माई प्रोडक्ट्स और एकेडमी, अगर आपने कुछ सीखना है यहां से, और एक्सटेंशन जो कि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, और द मार्केट, तो यहाँ पे काफी कुछ है। अगर आप चले जाते ना एकेडमी के अंदर, यहाँ पे बड़े जबरदस्त वीडियोस है आपको सिखाने के लिए कि इसको यूज कैसे करना है, तो आप यहाँ से यूज करना भी सीख सकते हैं। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपका अपना दिमाग थोड़ा लगाना है और इसको 2 से 2.5 घंटे डेली देने हैं। 1 महीने के लिए आप दें, कुछ लोग कहते हैं 3-4 दिन के लिए या 7 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन मैं कहता हूं 1 महीने के लिए, ताकि आपके दिमाग के अंदर पूरी तरह बैठ जाए, क्योंकि आपने ये काम करना है फॉर एवर, तो आपके लिए ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया भाइयों? अच्छा जी, अभी इसको हम बंद करते हैं। ये मेरा Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट है और अभी तक मैंने इस पर कुछ नहीं सेल किया, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। जब मैं इंशाल्लाह ताला सेल करूंगा, आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को अपनी पूरी प्रोसेस, पूरी जर्नी दिखाऊंगा, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ सोर्सिंग एंड देन कॉन्टैक्टिंग सप्लायर्स, देन सोर्सिंग एंड देन शिपमेंट एंड देन FBA होलसेल एंड सेल्स वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा व्हाट इज गोइंग ऑन। सॉरी फॉर आई लॉस्ट द कनेक्शन, बट एनीवे आई एम गोइंग टू नाउ क्लोज दिस, I'm going to close this this recording and I'll see you inshallah ta'ala in the next video. If you tell me in the comments ki aapko kaun si video chahiye, to fir main inshallah ta'ala wo wali video aap logon ke liye bana ke leke aaunga. Main soch raha hu next helium 10 pe bhi video kar le aur kappa pe bhi kar le. इसके अलावा ये प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैं वीडियोस करूंगा, 5-6 वीडियोस करूंगा, ताकि सबको प्रॉपर समझ लगे। और अगर आपको चाहिए कोई और टॉपिक, देन आप मुझे रिक्वेस्ट करें तो मैं उसके ऊपर भी कोशिश करता हूं थोड़ा सा करने की। ठीक हो गया? ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइनली अगेन, अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज चाहिए, टाइम पे आप देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, तो आप ये यूट्यूब के नीचे सब्सक्राइब का बटन, इसको दबा दें, और आपके पास ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, और बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें। ठीक है? बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो आपको वीडियोस उसी वक्त मेरी मिल जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मेरा मकसद यूट्यूब का सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यूट्यूब के ऊपर। मेरा मकसद है सिर्फ आप तक ये Amazon का डेटा पहुंचाना, और ये सबसे इजी तरीका है मेरे लिए। अब 30 मिनट की ये वीडियो हो गई, आई एम सॉरी इट्स लॉन्ग वीडियो, बट इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है, अभी मैंने जल्दी जल्दी में किया है। अच्छा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।